है, कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें लाइफ टाइम इसमें घुसे रहना है, पूरे दिन दिन भर घुसे रहना है, तुम्हें करना क्या है, दिन दिन भर नहीं घुसे रहना है, थोड़ा वक्त निकलना है अपने जीवन से, थोड़ा वक्त थोड़ा थोड़ा वक्त चलते फिरते। मैं तो टाइम टेबल के खिलाफ हूँ, देखो सीधी ही बात है, मैंने वीडियो में डाली है वो बात, टाइम टेबल से कोई काम कभी हो नहीं सकता, बंदिश हो जाती है, और बंदिशों में कभी जीवन में कोई काम हो नहीं सकता। मुझे ये करना पड़ रहा है, मुझे ये करना पड़ रहा है, तो अगर कोई काम करना पड़ रहा है मतलब मजबूरी हैव टू डू दिस, कुछ अगर मजबूरी है तो फिर कैसे वो काम, हमें किसी ने डंडा दिखा दिया है ये करना है करना है करना है, अब वो खुल के कैसे करें, हमें इंटरेस्ट आना चाहिए, तो हमें टाइम निकालना है अपने जीवन से, चलते फिरते भी जैसे कि ऑटो में आँख बंद करते हुए मैं कैसे आ रहा था, मैंने फ़ोन लगा दिया ऐसे गाना चलना था, गाने चलाते हुए ऐसे आँख बंद करके फील करोगे बहुत अच्छा फील होगा, कोई भी गाना सुनो मैं फिर तुमको चाहूँगा कुछ भी तो यही है, हम घुसते हैं फिर देखो एक्टर बनने के लिए पागल तो बनते, जैसे ही पागल बनोगे वैसे एक्टर बन जाओगे, और एक्टिंग सबने बचपन से सीखी है, बचपन से जो रईस लोग हैं उनको सीखनी पड़ती क्योंकि उन्हें दुख दर्द नहीं, जो मिडिल क्लास फैमिली से जिन्होंने दुख दर्द देखे हैं, जिन्होंने फावड़े भी चलाए हैं, वो सब एक्टर हैं, उनको वो दुख पता है, दर्द पता है, कुछ भी हम जगह जगह पर बिल्ड हो पाएगी, तो तुम्हें वहाँ पर इस्टेब्लिश होना है, तो पूरी तरह से सोच समझ के आना, तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं काम करना है, अपने 24 घंटे में से तुम्हें दिन के 2 घंटे मान लो एक मूवी देखना चला गया, उसके अलावा 2 घंटे तुम्हें खुद को देना है, 2 घंटे काय में देना है, 40 मिनट का मॉर्निंग रूटीन है जिससे तुम्हारे 4 वॉइस रजिस्टर होंगे, 3 तरह के होम होते हैं, तो ये 40 मिनट्स में 2-2, 5-5 मिनट की चीज़ें हैं जो मैं रूटीन भेज दूंगा, वो देख लेना व्हाट्सएप में डाल दूंगा, एक वो करना है और ज़्यादा कोई गणित नहीं, और तुम्हें शीशे में आधे घंटे देखना है, रहना पड़ता है, ये भूलना नहीं रहते हैं, और शीशे में ऐसे नहीं देखना है ऐसे, जितनी तरह के एक्सप्रेशन तुमने कभी खुद को भी नहीं बनाया, अगर कभी गाली नहीं दी है ना तो अकेले में गाली दो शीशे में देखते हुए, माँ की बहन, सच बात बता रहा हूँ मैं, खुलो, बहुत से लोग साई हैं, बहुत अच्छे घर के बच्चे बता रहा हूँ, बहुत सीधे हैं, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो भी एक्टर बनना चाहते हैं, अगर वो एक्टर बनना चाहते हैं और वो गाली ही कभी नहीं दी उन्होंने, तो उनको अगर ऐसा रोल करना है जैसे कि ये नवाज बोलता है एवेंजर एक्टर, तो वो क्या कॉन्फिडेंस से दे पाएगा, निकलेगा ही नहीं, तो मैं ये नहीं कह रहा बाहर गाली नहीं देनी चाहिए, लेकिन अकेले में तुम खुद को तो देखो कि मैं कॉन्फिडेंस दे पाता हूँ या नहीं, अजीब अजीब चेहरे बनाओ, जितने अजीब बना सकते हो, इससे क्या होगा एक्सप्रेशन इंक्रीज होगी, तो दिन का 2 घंटे मूवी में, 40 मिनट का मॉर्निंग रूटीन, आधे घंटे सीसा, कितना गया, और वो जो मूवी देखोगे उसमें से कोई सा भी एक डालो, 2 मिनट का 3 मिनट का, तुम चलते फिरते भी मेमोराइज कर सकते हो, कोई सी भी मूवी का, पसंदीन कुत्तों के सामने मत नाचना, कुछ भी फिल्मी सिनेमेटिक फील के हिसाब से, ये छोटी छोटी सी बातें सब बहुत आराम आराम से होता रहेगा, 24 घंटे होते हैं दिन में, 4 या 5 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, 12 से 3 में आर्टिस्ट लोग ही कॉल अटेंड करता हूँ, पता होगा, सुबह 8 से 10 फीमेल आर्टिस्ट की कॉल अटेंड करता हूँ, मतलब बीच में कितना बचा और मैं कितने बजे सोता हूँ, 5-6 बजे, मतलब ये 1.5 साल से रूटीन है कि 3 से 4 घंटा करूँगा, तब जाके ये 9वीं ब्रांच डल पा रही है, क्योंकि एक आम आदमी कितना काम करता है 5 घंटे, तो सक्सेस कितने, अगर 10 साल में सक्सेस पाया तो तुम हिसाब किताब लगा लो, अगर तुम 20 घंटे काम कर रहे हो तो उससे 4 गुना पहले सक्सेस पा जाओगे ना तुम, फैक्ट वाली बात है, तो बहुत आसान है, बस लगे रहना है, लोग लगे नहीं रहना चाहते, बाहर बाहर से देख रहे कर लूँगा नहीं करूँगा, और जो घुस गया है ना वो निकलेगा ही नहीं, और आर्टिस्ट को घुसना पड़ेगा, तो 24 घंटे में से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 4 घंटे सो 6 घंटे सो, पर कोई जो कहते हैं 8 घंटे सोना जरूरी है वो एक अलग बात है, जो दिन रात मेहनत कर रहा है श्रम कर रहा है उसको 8 घंटे सोना जरूरी है, डॉक्टर ने उसको बोला है, डॉक्टर ने बोला है नॉर्मल पर्सन के लिए 8 घंटे सोने के लिए, और लोगों ने सबने मेंटेलिटी बना ली कि 8 घंटे 8 घंटे, जो मेहनत हार्डवर्क नहीं कर रहा है वो तो 6 घंटे ही सोए तो बहुत है, 5 या 6 घंटे, 8 घंटे वो मजदूर बेचारा है उसको ज़रूरत है, लोग उस जहाँ पे कंफर्ट मिल रहा है उस चीज़ को मान ले रहे हैं, तो तुम अपना 6 घंटा सो, उसके अलावा तुम्हारे पास 18 घंटे बचे हैं, 18 घंटे से 2 घंटा एक पिक्चर देखो, पिक्चर दिन में कभी मत देखो, जब तुम खाना पीना भी खा चुके हो सो भी, जब तुम फ्री हो बिल्कुल, कि तुम्हें पानी पीने के लिए भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, एक आम आदमी मूवी देखता है एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन आर्टिस्ट मूवी देखेगा सीखने के लिए, तो एकदम अवेयर होके देखो उसमें घुसे, क्योंकि वही जिंदगी जीनी है ना, तो उन्हीं को ऑब्जर्वेशन करना है, तो ऑब्जर्व करो, तो जब ज्वाइन और ज्वाइन करो तो दिल से ज्वाइन करो, क्योंकि तुम्हें फ़ायदा मिलेगा ना तभी मुझे फ़ायदा मिलेगा, जैसा बिजनेस है, मैं ऐसा नहीं, मैं एक बहुत अच्छा बिजनेस मैन भी हूँ, तो मुझे वॉल्यूम बढ़ानी है, ज़्यादा लोगों में ज़्यादा जगह पर हम जब लोगों को बता पाएंगे और ज़्यादा लोग सक्सेस होंगे, तुम अपने आप माउथ पब्लिसिटी से बढ़ जाओगे, ठीक है।